सो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 ने तो अपनी लैंडिंग मून पर कर दी है, तो आप कब जा रहे हैं चंद्रमा से मिलने? सो फ्रेंड्स, दिल्ली की एक ऐसी लोकेशन जहां पर आप रात में ही नहीं दिन में भी तारे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहरू प्लैनेटेरियम। बेसिकली नेहरू प्लैनेटेरियम का नाम इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। पूरे इंडिया में 5 नेहरू प्लैनेटेरियम है, जिसमें से एक हमारा दिल्ली में है, दूसरा मुंबई, तीसरा पुणे, बेंगलोर और अलाहाबाद। अलाहाबाद में जो नेहरू प्लैनेटेरियम है, बेसिकली उसका नाम जवाहर प्लैनेटेरियम के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली नेहरू प्लैनेटेरियम का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है आपका 3 मूर्ति मार्ग, न्यू दिल्ली। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 10:30 AM से लेकर 5:30 PM है। ध्यान रखें कि मंडे क्लोज रहता है फॉर मेंटेनेंस पर्पज। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा नेहरू प्लैनेटेरियम और यहाँ की जो एंट्री है, देखो यहाँ पर कितना रश है। और यहाँ पर आपका ये है टिकट विंडो, आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और टिकट की जो प्राइस है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इतना रश है नेहरू प्लैनेटेरियम और ये यहाँ की बहुत क्यू लगी हुई है, ज़्यादा बड़ी क्यू नहीं है, मतलब इजीली आप यहाँ से टिकट खरीद सकते हैं। और टिकट की जो प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, टिकट की इंग्लिश 11 AM और इंग्लिश 3 PM है। एडल्ट की जो टिकट है वो 100 rupees की है, किड्स की 70 rupees है। शो 2D शो है, एक 3D शो है, यहाँ पर दोनों के रेट्स जो है ना अलग अलग हैं। अगर 2D शो आप लेंगे तो एडल्ट 100, चाइल्ड 70, और अगर 3D शो है यहाँ पे एडल्ट 200, चाइल्ड 150। किड्स का जो क्राइटेरिया है 4 से 12 ईयर तक का है, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 2D और 3D शो है, तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा देखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चंद्रयान आप देख सकते हैं, बैक टू द मून चंद्रयान के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, और स्काई थिएटर एंट्री इस साइड से है। ये यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन प्रोफाइल आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रज्ञान रोवर और ये आपका है यहाँ पर विक्रम लैंडर, उसके बाद ये सब आप देख सकते हैं। एंट्री करते ही आपको सबसे पहले यही नज़र आएगा यहाँ पर, वाई द नाइट इज़ डार्क, मतलब बहुत ज़्यादा किड्स के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लोकेशन है ये। यहाँ पर आके आप अपने किड्स को बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सीइंग इज बिलीविंग, आपको यहाँ दिख रहा होगा कितना रश है, ये देखो। एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन एस्ट्रोनॉमी का है यहाँ पर, सेलेस्टियल कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, बेसिकली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप कितना रश है, कितनी लंबी क्यू यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर एग्जैक्टली आपको दिख ही रहा होगा। ये लोकेशन सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स का एक बड़ा अट्रैक्शन नहीं हो सकता है, बल्कि किड्स के लिए ही एक बहुत बड़ा एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है, जहां पर वो स्टार्स प्लैनेट्स को बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से देखने की एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस म्यूजियम को बनाया गया था टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन इन इंडिया, एंड द प्लैनेटेरियम वॉज इनॉग्रेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन 6 February 1984। बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि आप देख सकते हैं इतनी लंबी क्यू यहाँ पर लगी हुई है, इस क्यू के मतलब आपका जब यहाँ पर वेटिंग में होगा तो आप यहाँ पर ये सारी राइट और लेफ्ट में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिस
को आप यहाँ पर घूम सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिख ही रहा होगा ये। और मतलब ये बेसिकली इस चीज़ के लिए कि जब आप क्यू में यहाँ पर लगे हुए हैं तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लोरिंग प्लेनेटरी वर्ल्ड, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंडियन एक्सप्लोरर ऑफ द स्पेस आपको दिख रहा होगा ये। ये एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उसकी यहाँ पर ये पूरी ड्रेस रखी हुई है, आपको दिख ही रहा होगा। फ्रेंड्स ये बेसिकली हम लोगों ने जस्ट अभी एंटर किया है, आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर। सो फ्रेंड्स नेहरू प्लेनेटेरियम का जो मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है वो है स्काई थिएटर। ये डोम शेप थिएटर बताता है यहाँ पर प्लैनेट्स, स्टार और पूरे यूनिवर्स के बारे में, जो अभी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिकली इसका ऑफिशियल नेम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था, बट अभी रिसेंटली इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय रख दिया गया है। बेसिकली ये एक रेजिडेंस हुआ करता था पंडित नेहरू का, जहां पर वो रहा करते थे, जिसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इस म्यूजियम को बनाया गया था टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन इन इंडिया एंड द प्लेनेटेरियम वॉज इनॉग्रेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन 6 February 1984। सो आप अगर अपने किड्स को चंद्रयान 3 के एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो नेहरू प्लेनेटेरियम दिल्ली का वो लोकेशन है जहां पर आप अपने बच्चे को ले जाकर वहां पर सारी चीज़ें बहुत ही इजीली वहां पर उसको समझा सकते हैं थ्रू स्काई थिएटर, जहां पर आपको पूरे यूनिवर्स, स्टार और बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, आपके बच्चों को भी। तो आप वहां पर ज़रूर विज़िट कीजिए, इट्स रियली वर्थ इट और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और मैं आपको जरूर सजेशन दूंगी कि आप वहाँ पर ज़रूर विजिट करिए, इज द बेस्ट लोकेशन फॉर योर किड्स, फॉर नॉलेज, फॉर अ गुड एक्सपीरियंस। और स्टार्स को और मून को एंड एवरीथिंग वहाँ पर, पूरे यूनिवर्स को एक बहुत ही जो क्लोज देखने का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है, नो डाउट। सो फ्रेंड्स इतना ही नहीं, नेहरू प्लेनेटेरियम होस्ट लाइव शो ऑफ चंद्रयान 3 मून्स लैंडिंग विद विक्रम लैंडर। इसके अलावा नेहरू प्लेनेटेरियम ऑफर कर रहा है एक इमर्सिव एक्सपीरियंस टू पब्लिक विजिटर्स बाय प्रेजेंटिंग ए लाइव शो दैट कैप्चर द सेफ लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। सो फ्रेंड्स ये था हमारा नेहरू प्लेनेटेरियम। मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि आपको सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो में, और आप मुझे अपने सजेशंस और एडवाइस भी भेज सकते हैं कि वीडियो में आपको और क्या क्या चाहिए। सो कमेंट करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लिली वंडर स्ट्रीट्स को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।